Find the area lying above x-axis, x-axis ke just upar, and include between the circle, circle aapke saamne ye kuch is tarah ka, matlab bol diya hai circle hai. Agar na bola hota to aapko pata karna padta ye kya hai. Aur yahan bhi bol diya ye parabola hai. So that means parabola aur circle de rakha hai. Ab parabola bhi jo hai wo theek thaak hai, iski vertex aap pata kar sakte ho ki vertex kya hai, origin hai. But circle jo hai standard form mein nahi hai. तो सर्कल को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. x स्क्वायर, ये 8x को ना इधर भेज दो, माइनस का 8x कर दो ऐसे, और प्लस के y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर तैयार करना पड़ेगा. तो इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर तैयार कीजिए. तो इसका तैयार करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए x माइनस स्क्वायर माइनस, जैसे कि आपको पहले भी सिखा रखा है, चाहो तो पिछली वीडियोस देख लेना आप. तो क्या करना चाहिए, 8 का आधा लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है. 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, 4, 4, ठीक है. तो दिस इंप्लाइज आपका x माइनस 4 का स्क्वायर, ये माइनस का 4 का स्क्वायर इधर भेज दो, प्लस का y का स्क्वायर इजल टू 4 का स्क्वायर. अब अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, तो एच के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एच के एक्स माइनस एच और वाई माइनस के, तो के तो है नहीं, 0. एच आपको दिख गया यहाँ पर 4. तो जो सेंटर है, जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा आपका 4, 0. और रेडियस, रेडियस 4 हो गया. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पैराबोला को सबसे लास्ट में ट्रेस किया जाता है. सर्कल ट्रेस हो सकता है तो साले सर्कल ट्रेस कर लो. तो ये मैंने आपका बना लिया कुछ इस तरह से एक सर्कल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर 40 पे है. तो मतलब सेंटर आप है ना इसको 40 पे लेके चलना. तो 40 पे अगर आप सेंटर है और रेडियस 4 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस 4 हो गया, ये डिस्टेंस 4 हो गया ना आपका, ये डिस्टेंस 4 हो गया. तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन से टच कर रहा है भाई. अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाऊं कुछ इस तरह से, आप देखो, आप ये ओरिजिन हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है. रेडियस 4 हो गया ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये होना चाहिए. तो ये जो आपका सर्कल है कुछ इस तरह का है, ठीक है. अच्छा, अब आपका पैराबोला ट्रेस करना है. पैराबोला आप सोच लो ये इस तरफ का होगा. तो इस तरफ का अगर होगा तो ये कहीं जो है ओरिजिन ही होगी इसकी भी. इसकी जो वर्टेक्स है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन ही है. तो कहने का मतलब ये यहीं से स्टार्ट होगा. अब ये हो सकता है कि ये सर्कल को इंटरसेक्ट ही ना करे, ऐसे निकल जाए यूं, या हो सकता है ये ऐसे जाए, काटता हुआ जाए, पता नहीं ना. तो उसके लिए हमें इन दोनों को आपस में सोल्व करना पड़ेगा, किसको, पैराबोला को और सर्कल को. तो ये आपकी है इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 2. तो बाय 1 एंड 2, ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है एक तरह से. थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं. बाय 1 एंड 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, y स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4x, तो 4x रख दिया y स्क्वायर की जगह 4x. तो आपका ये क्या बन जाता है, आपका 4x रह गया ना माइनस का, तो आपका ये क्या बनेगा, एक x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो आपके दो रूट आ रहे हैं भाई, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 4 पे काटता हुआ जा रहा है भाई. तो इसका मतलब 4 पे कट करेगा, 4 पे यानी कि यहाँ पर कट करेगा, ओबीसी बात है नीचे भी कट करेगा 4 पे, ठीक है. तो पैराबोला जो है आपका कुछ इस तरह से जा रहा है. ये थोड़ा सा अच्छी शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से, और ये नीचे से भी कुछ इस तरह से, और ये जो है आपकी प्रोजेक्शन ये आ रही है, ठीक है. अब इसने क्या बोला, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस आपकी यहां पर ये रही, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इंक्लूडिंग बिटवीन द सर्कल, सर्कल और पैराबोला के इनसाइड, पैराबोला के इनसाइड. अब ये बात देखो, पैराबोला के इनसाइड बोला है उसने. तो देखिए पैराबोला के ये कॉन्सेप्ट भी एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज इनसाइड एंड आउटसाइड. मान लीजिए पैराबोला है, तो पैराबोला की अगर बात करते हैं तो देखिए जो मैं ये जो हिस्सा है ये क्या होगा पैराबोला के लिए, ये इनसाइड कहलाएगा, अंदर की तरफ कहलाएगा. ये चीज जो आपकी इनसाइड कहलाती है, ये आपकी इनसाइड हो जाएगी. और आउटसाइड क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा ये सही से बना लेते हैं क्योंकि इसको हम रख लेंगे, इसको ठीक से रख लेते हैं, ये काम भी आएगा आपका.
कॉन्सेप्ट, जो येलो वाला इनसाइड हो गया, और ये जो है आपका, ये मतलब आउटसाइड, ये आपका आउटसाइड हो जाएगा इधर, ये जो आपका है इधर का, मतलब इधर से मतलब ये नहीं केवल ये, पूरा पूरा आपका आउटसाइड होगा। तो मैं काम करता हूँ, एक्सिस हटा देता हूँ, कंफ्यूज कर सकती हैं आपको ये आपकी एक्सिस हटा देता हूँ, ये आपका आउटसाइड हो गया पूरा, पैराबोला की अगर बात करते हैं आउटसाइड। तो यहां इसने बोला क्या है, इनसाइड बोला है, तो इनसाइड अगर बोला तो इनसाइड तो ये अंदर वाला हो गया ना, ठीक है। तो मतलब मेरा एरिया जो बनेगा वो ये बनेगा पूरा इनसाइड, और अबव एक्स एक्सिस, ध्यान रहे अबव एक्सिस। तो इसमें इसमें भी दो पीस बन रहे हैं आपके, तो दोनों पीस का अलग अलग शेड कर देता हूं मैं। एक तो ये वाला पीस बनेगा, ठीक है, एक तो ये वाला, और आपको सर्कल का हिस्सा भी लेना है तो सर्कल का हिस्सा ये वाला ले लेते हैं, आपका ये सर्कल का भी है। तो ये दोनों एरियाज को सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये दोनों एरियाज को सम करना पड़ेगा आपको, मतलब ये वन और ये दो रीजन सेकंड। और बताओगे यहां पर क्या होगा, यहां पर 8 होगा, बिल्कुल सही। तो ठीक है, चलिए एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो एरिया का फॉर्मूला लिखा जाएगा, आप सबसे पहले देखो क्या लोगे, 0 से लेकर 4 लोगे, 0 से 4 लोगे तो क्या लोगे आप, पैराबोला लोगे, 0 से लेकर 4 तक पैराबोला, मतलब आपने लेंथ लेनी है, वाई लेना होता है, वाई ऑफ पैराबोला लिया जाएगा इंटू डी एक्स, और प्लस करोगे 4 to 8, और 4 to 8 में वाई ऑफ सर्कल लिया जाएगा इंटू डी एक्स। तो चलिए वैल्यू फिल कर देते हैं, आपका 0 to 4 वाई ऑफ पैराबोला, वाई ऑफ पैराबोला क्या बनेगा, देखिए अब यहां भी ध्यान रहे, वाई ऑफ पैराबोला में ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो आप खाली, तो ऊपर वाला पार्ट के हिसाब से क्या बनेगा, वैसे तो कायदे से प्लस माइनस बनता है, पर आप ले रहे हो ऊपर वाला केवल, तो प्लस वाला लिया जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, अंडर रूट में 4x, या फिर 2 बाहर निकाल लो ऐसे। अगर नीचे वाला लेना होता बाई चांस, मान लीजिए सिर्फ नीचे नीचे का लेना होता तो ये लेना होता माइनस का, ठीक है, बट हमें तो ऊपर का चाहिए ना, तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए। तो आपका यहां लिखा जाएगा 2 बाहर कर दो, रूट एक्स डी एक्स, और प्लस 4 to 8। अब आपको सर्कल का लिखना है, तो सर्कल का वाई तैयार करना पड़ेगा यहां से, तो चलिए यहां से तैयार करते हैं। दिस इंप्लाइज, देखो वाई क्या बनेगा, वाई भी देखो मैं सर्कल का भी ऊपर वाला हिस्सा ले रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, मतलब प्लस का लिया जाएगा, ऊपर वाला ले रहे हैं ना, इसलिए तो ये होगा अंडर रूट में आपका 4 का स्क्वायर माइनस, ये इधर भेज दिया एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, बना तो प्लस माइनस था, बनेगा तो प्लस माइनस ही, बात सही है प्लस माइनस बनेगा, बट हम लेंगे ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में केवल प्लस का लिया जाएगा। तो यहां पर लिखा जाएगा आपका अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और डी एक्स। तो ये जो आपका लंबा वाला फॉर्मूला है ये ध्यान रखना भाई, इसमें फॉर्मूला बड़े वाला लगेगा, ये आसानी से हो सकता है। इसका क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3/2, और 3/2 यानी ऊपर जा रहा है भाई ऐसे। और लिमिट्स क्या है आपकी, 0 से लेकर 4 तक। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए आपका लंबा वाला फॉर्मूला, तो x/2 यानी कि x-4/2, और अंडर रूट में यही सब, माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, a²/2 प्लस का 16/2 यानी कि 8, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि दिस अपॉन ए, एक्स माइनस 4/4 ब्रैकेट, और आपका 4 से लेकर 8 तक। तो चलिए लिमिट से, अच्छा ये चीज इसका देखो, जो एक्स 3/2 है ये चीज आपकी एक्स रूट एक्स होती है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ये इसमें बड़े आसानी से सोल्व करने में मदद करेगी आपको, मुझे बानी करना अगर आपको है तो, 4/3 तो वो कर दो बाहर, ठीक है। अब ये एक्स रूट एक्स है, अगर एक्स रूट एक्स में 4 रखा, 4 यहां रखा, 4 यहां रखा, तो क्या निकलेगा, 4, और यहां से 2, 8, यस, तो यहां से 8 निकलेगा, और 0 रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आया कितनी जल्दी कर दिया हमने इसमें। अच्छा अब यहां देखते हैं, अगर 8 रखते हैं तो देखिए, अगर 8 में यहां रखता हूं तो 4 का स्क्वायर बना, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर पूरा 0 हो गया,
तो ये तो जीरो हो गया। अच्छा नेक्स्ट प्लस एट साइन इनवर्स, यहाँ देखना 8 माइनस 4 फोर, 4 बाई 4 वन, तो वन वन यानी कि पाई बाई टू, पाई बाई टू लिख दो यहाँ पर आप, पाई बाई टू। इतना ज़्यादा डायरेक्ट मत जाओ, ज़्यादा डायरेक्ट मत जाओ, थोड़ा सा इतना रहने देते हैं, इतना ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करते। अब फोर रखते हैं, फोर रखते ही ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है ना, 4 माइनस 4 ये जीरो, तो यहाँ ये अभी भी जीरो, और यहाँ 4 माइनस 4 ये भी जीरो, तो ओवरऑल आपका ये जीरो हो गया इधर पूरा। अच्छा अब क्या क्या रह गया हमारे पास, 32 बाई 3 और आपका प्लस के 4 पाई। ये सिंपलीफाई कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि 3 से कटना तो कुछ है नहीं, नहीं तो आप यहीं लिख दो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, हाईलाइट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ चुका है।